सबसे पहले हमने आफ्टर एप्लीकेशन, हमने उस एप्लीकेशन को ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल ऐप के अंदर उसको इंस्टॉल करना है। अब हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। अच्छा, दूसरा काम हमने ये करना है कि यहाँ पे हमारी जो सर्वर है हमने उसको चला के रखना, पाइथन मैनेज। मैं जाऊँगा बूट कैम्प और उसमें मैं पाइथन मैनेज, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपका सर्वर चल रहा हो रन सर्वर। हमारे पास ये हमारा सर्वर चल रहा है और इसको मैं यहाँ पे अपने जो लोकल होस्ट उस पर खोल लेता हूँ। मैं इसको 127 अशांत, स्क्रीन सही नजर आ रही है मंजला? जी सर, स्क्रीन सही नजर आ रही है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ तक आप लोग सब मेरे साथ हैं? अब हम जाएंगे इसका व्यू बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो कोर्स एप्लीकेशन है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, कर ले सर? जी सर। अच्छा, अब हम जाएंगे कोर्सेज के अंदर और कोर्सेज के अंदर हमें दो चीजें आप देखेंगे, व्यू डॉट पी वाई, वहां पे हमारे पास एक है जेंगो शॉर्टकट इंपोर्ट रेंडर, इसको हम रहने देंगे और हमारा जो व्यू है हम वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने व्यू लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना एक इसको इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम हम कर रहे हैं जेंगो से, फ्रॉम जेंगो गो। उसके बाद एक हम सिंगल सा जस्ट एक वेरिएबल प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम इसको हम एचटीटीपी लिखेंगे, एचटीटीपी, उसके बाद उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कहाँ से इंपोर्ट करना है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स से, पी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाके हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, हम यहाँ पे जाके अपना फंक्शन लिखेंगे व्यू, जो फंक्शन हमें चाहिए। लर्न जेंगो, ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम रखा, इसमें मैं एक पैरामीटर पास करता हूं और उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न में जस्ट ये जो ऊपर मैंने एचटीटीपी रिस्पॉन्स लिखा है उसी को के अंदर मैं एक वेरिएबल रिटर्न कर देता हूँ और इसमें मैं लिख लेता हूँ हेलो जी। अच्छा, इसके बाद मैंने जाके अपने सर्वर पे जाके देखा, मेरा सर्वर पे कोई एरर तो आ रहा या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, तो मैं जाके इसको अपने इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा, एरर आ रहा है तो हमने इसको रिजॉल्व करना है, एरर नहीं आ रहा तो सही चल रहा है। अच्छा हाँ, तो जैसे एरर के बारे कैसे सही चलता है? तो अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपना एक व्यू तो बना लिया, लेकिन इस व्यू का हमने यहाँ पे बोला था कि हमने इसको रेंडर भी करना,
तो अब हमने रेंडर कहाँ पे करेंगे? रेंडर करने के लिए हम अपने वापस जाएंगे और हमारे पास रेंडर करने के दो तरह के कार होते हैं। हाँ नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसी की तरफ से जा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि जाके चेक करेंगे वहां पे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा कंट्रोल। अब मैंने यहाँ पे हमारे पास रेंडर करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक तो रेंडर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोर्सेज है, जो मेन हमारा बूट कैम्प है, उसके अंदर हमें एक url.py है, हम जाके उसमें रेंडर कर दे सकते। अच्छा ये कमिट से, इस कमिट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके अपने जो मेरे url.py है इसमें मैं रजिस्टर करूंगा, इसमें इसका वी लिखूंगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो ऑलरेडी एक एडमिन है, एडमिन हमारे पास क्या है, ये एडमिन का व्यू हमारे पास। अच्छा अभी मैंने माइग्रेशन नहीं चलाई तो इस वजह से एरर आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये एक एडमिन का व्यू बना हुआ है। अब इसी एडमिन के व्यू के नीचे मैं एक और व्यू बना लेता हूँ और वो जो हमने आपने रॉट लिखा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आप लोग मेरे साथ ये कर लें जी, ये एडमिन का यूआरएल है ना, स्लैश हम एडमिन जो करते हैं ना, ये वो है, उसका राउट है। अभी अपना बना लो तो फिर उसको, अब फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ। हाँ यहाँ पे हम अपना बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हम अपना बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इसको बूट कैम्प और बूट कैम्प में आप जाहिर बात इसका मैं यूआरएल लिखूंगा, तो इसके यूआरएल में लिखूंगा कहाँ से आ रहा है मेरे पास, ये व्यू आ रहा है। अच्छा ये इस यूआरएल को मैं हटा देता हूँ, ये मेरे पास व्यू है, ठीक है, ये व्यू डॉट, मैं इसको एक यूआरएल दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये यूआरएल जो मैं अपना लिखना चाह रहा हूँ, अपना यूआरएल ये वो होगा, उसके बाद अच्छा मैंने गलत मिस्टेक कर दी यहाँ, ठीक है ये कॉमा आएगा, उसके बाद व्यू आएगा, व्यू के बाद हमने ये, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये जो हमारा व्यू है कोर्सेज के अंदर, उस व्यू को मैं टारगेट कर रहा हूँ। उसके अंदर हमारा जो जेंगो लर्न जेंगो के नाम से एक हमारा उसका नाम था, फंक्शन का नाम था, उस फंक्शन को मैं यहाँ पे डॉट दे के यहाँ पे उसको मैं बुला लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या टारगेट किया, मैंने अपने url.py के अंदर मैंने एक काम किया, मैंने url.py के अंदर एक रॉट लिखा, रॉट्स में मैं क्या, अच्छा ये हम ये इसमें हमें अभी जेंगो को एडमिन को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करानी पड़ती है, जेंगो URLs इम्पोर्ट पाथ, ठीक है, बाई डिफॉल्ट हमें मिलती है, तो हम अगर नहीं होती तो हम इसको इम्पोर्ट करवाते। तो हमने एक पाथ लिखा बूट कैम्प और उसके अंदर हमारा जो व्यू है, ये व्यू जो मैं टारगेट कर रहा हूँ ये कोर्सेज के अंदर है, ये वाला व्यू जो कोर्सेज के अंदर मुझे मिल रहा है ये वाला, और उस व्यू के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है लर्न जेंगो, उस जेंगो को मैं यहाँ पे डॉट करके मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी फाइल खोलो, ये रहा, ये लिख ले, एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है xyz, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जो फंक्शन का नाम है वो यहाँ पे जो आपका देना है जो रेफरेंस, ये वाला जो फंक्शन आपने लिखा है वो नाम एग्जैक्ट होना चाहिए, जी लिख लिया आप लोगों ने, ऐसा लिख लिया, व्यू लिख लिया। अच्छा इसके स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास,
ये हमें दिखाता है, यहाँ पे हमें जस्ट वेरिएबल दिखाएगा, कुछ नहीं करेगा, जैसे हमें स्ट्रिंग दिखाता है उस पे। ये यूआरएल में से टेकी पाथ देना है सर, इसमें यूआरएल में जो है, हमें बता रहा आपको। अच्छा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास बूट कैंप के अंदर यूआरएल है और सेटिंग है। कोर्सेज के एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास अभी हम जो काम कर रहे हैं व्यू के अंदर काम कर रहे हैं। व्यू के अंदर हमने एक जस्ट हमारे पास पहले से रेंडर का मेथड डला हुआ था, ये हमने इंपोर्ट किया। हमने HTTP रिस्पॉन्स में यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, तो हमने इसको HTTP को रिस्पॉन्स को अपने पास इंपोर्ट करवाया जेंगो की लाइब्रेरी से। उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया डिफ के नाम से। फंक्शन के अंदर हमने HTTP रिस्पॉन्स को जैसे हम स्ट्रिंग रिस्पॉन्स कराना चाह रहे हैं हमने वो डाल दिया। और url.py के अंदर हम आया, url.py के अंदर हमने एक काम किया है कि हमने URLs को इंपोर्ट करवाया पाथ से। उसके बाद हमने URL पैटर्न लिखा जाता है, URL पैटर्न हमारे पास ये किस में लिखा जाता है, URL पैटर्न इक्वल टू उसके बाद क्या है पाइथन में क्या है, क्या है पठान, ठीक है तो हम लिस्ट में इसको लिख रहे हैं। क्या हुआ व्यूज, हाँ व्यूज आएगा ना, ये हमारा व्यूज है ना, इसका यही आएगा व्यूज डॉट लर्न। अच्छा अब हमने एक काम ये किया है कि अभी हमने तो लिख लिया है लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं कर रहा, काम इसलिए नहीं कर रहा कि हमने ये तो मंगवाना भी है कि भाई ये जो व्यू है ये हमारे व्यू कहाँ से आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है फ्रॉम, और कहाँ पे आ रहा हमारे एप्लीकेशन कोर्सेज है ना, एप्लीकेशन का नाम क्या है कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से, अरे हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं व्यूज। अब आप देखिए वो जो मेरा एरर था वो भी हट गया, अच्छा मैं अब अपने इसमें जाता हूं और ये जो मैंने बूट कैम यूआरएल दिया है ना मैं स्लैश करके बूट कैम लिखता हूं, अच्छा इसने मुझे क्या एरर दिया है इसको भी रन कर लेता हूँ, हेलो अवार्ड इसको दिखाना चाहिए था, अच्छा यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है आप लोगों को यूआरएल पैटर्न के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फिलहाल हम इसको HTTP रिस्पॉन्स को मंगवाया हमने और इसमें हमने सिंपल अगर हम हेलो वर्ड करते हैं, यानी क्या अच्छा इसको कॉपी कर ले, कौन सा रिक्वेस्ट का नहीं डाला ना हमने, हो गया टर्मिनल पे क्या हुआ,
टर्मिनल पे चल रहा है ना आपके पास, चल गया। तुम्हारा या मेरा? मेरे पास ये खुली हुई चल गया, सबके पास चल गया? नहीं सर, इधर व्यू इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। अच्छा ये देख ले, आपने क्या स्कूल के अंदर आपने वो शॉर्टकट दिया ना वो खोले नहीं है शॉर्टकट आपने कराने ये मेरी फाइल है सर, देख लें। रेंडर आपके पास नहीं चल रहा है? उसमें चलना चाहिए ना यूआरएल में।
मुंबई आगे उन्नीस कर लगे।